मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 12 बजा है तो मेरा सैंडविच खाने का मन था, तो मैंने मम्मा सैंडविच बनाई है। और ये है काउ, ये चीज है, चीज ब्लॉक, केचप, सॉस है, और ये मायोनीज है, और ये सलाद, ये वेजिटेबल है सब इसमें, सैंडविच है इसमें, कैरेट है, बीटरूट है, कैबेज है, कैप्सिकम है, टमाटर है, ग्रीन ऑनियन है, इसमें मैंने मायोनीज और चीज डाला है, और बाद में मैंने ब्रेड पर ग्रीन चटनी, बटर और केचप लगाकर ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। और आप सैंडविच देख सकते हैं, ये सैंडविच बन रही है। ये मेरे पास एक ग्रिल मशीन है सैंडविच का, तो मैं इस पे बनाती हूँ। अभी सैंडविच रेडी हो गई है, देखिए आप देख सकते हैं ये रेडी हो गई है। अब हमें इसे निकालना है, सिर्फ चलो निकालते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए हेल्दी होता है, इसमें सब वेजिटेबल आते हैं, तो इसलिए ये बच्चों को हमेशा खिलाना चाहिए। आप इस तरह कट कर सकते हैं इस सैंडविच, देखो इसमें चीज भी डालना आपको अच्छा लगे तो, लेकिन मैंने तो अंदर ही डाल दिया है, तो मैं बाहर नहीं डालूंगी चीज। अब बनस टेस्ट करेगा कैसी बनी है सैंडविच। कैसी बनी है सैंडविच मना? अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। मनस को बहुत पसंद है सैंडविच, ये सलाद इसके साथ नहीं मिले, मनस को वैसे ही सलाद पसंद है। मुझे सैंडविच याद नहीं आई थी, कल मैं स्कूल पर गया था ना, तो मेरे एक बाजू में दोस्त ने लाया था सैंडविच, तो मेरे नजर गिरी, तो मैंने सोचा कि आज बाबा को मुझे घर जाकर कहूंगा कि ब्रेड पड़ी है तो सैंडविच बना दे। ओके, इसलिए आपको आज सैंडविच खाने का मन हुआ था। ध्वनि सर बना है, ध्वनि क्या स्टडी करा रहे हो बच्चे को, कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट ध्वनि, कौन सा सब्जेक्ट की स्टडी करा रहे हो? इंग्लिश का। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, बोलो स्टूडेंट को बोलो। ओके देखो क्या देखे, क्या लिखा आपने? देख, देख, क्या लिखे अब? लिखना होगा। क्या लिखना होगा?